सरकार अब प्रदेशवासियों को राइट टू हेल्थ की सौगात देने जा रही है। जे सी एम अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा सत्र में इसे लागू करने के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राइट टू हेल्थ पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा है कि सरकार कपोल कल्पित बातें कर रही है। प्रदेश में पहले से चल रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को धीरे धीरे काटने का काम किया है। राठौड़ ने साथ ही कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब को सहायता देने वाली योजना है और प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक लोग इसकी पात्रता रखते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस प्रदेश में लागू नहीं किया। गहलोत साहब ने जन घोषणा पत्र के अंदर राइट टू हेल्थ की बात की थी। कपोल कल्पित बातें करना मुख्यमंत्री गहलोत साहब की आदत में शुमार है। उन्होंने पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवर कर देने वाली गरीब को सहायता देने वाली योजना थी, उसके धीरे धीरे पर काटने का काम किया। आपको बता दें कि भामाशाह राइट टू हेल्थ को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा है। कपोल कल्पित बातें करना सरकार की आदत में बताया है राठौड़ ने। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को कमजोर करने का काम किया है, ऐसा कहा राठौड़ ने। राइट टू हेल्थ को लेकर राजेंद्र राठौड़ का यह बयान सामने आया है, जिसमें सरकार पर जमकर निशाना साधा और कपोल कल्पित बातें करने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि ये सरकार की आदत में है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को कमजोर करने का काम किया है, ऐसा विपक्ष पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा। राजेंद्र राठौड़ का यह बयान सामने आया है, जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कपोल कल्पित बातें करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने जमकर निशाना साधा है और कपोल कल्पित बातें करने का भी आरोप लगाया है सरकार पर। कहा कपोल कल्पित बातें करना सरकार की आदत में शुमार है।